देखिए रोल तो आप 50 बार आ चुकी हैं मेरे पास हर डिफरेंट फिल्म के लिए, और मैं हर बार यही बोलती हूँ कि मैं रोल नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि आजकल जो रोल मैं लेने लगी हूँ या आजकल जो फिल्में करने लगी हूँ, ये सोच के करती हूँ कि कौन सी फिल्म में ज़्यादा चैलेंज हो मुझे एज अ कैरेक्टर, जिसमें मुझे इफ़ अ काइंड ऑफ रोल विच आई गेट एक्साइटेड इन प्लेइंग। तो आजकल जैसे कि ये अरुणा जी की पिक्चर है, दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म, ये एक रेगुलर लव स्टोरी नहीं है खाजुराहो, एंड सिंस खाजुराहो इज़ नोन टू बी द लैंड ऑफ लव, इस पिक्चर में ये दिखाते हैं कि इन द लैंड ऑफ लव इन टुडेज डे एन एरा विच इज़ इंटरनेशनली नोन खाजुराहो टू नॉट ओनली टू इंडियंस बट वर्ल्ड ओवर टू बी द लैंड ऑफ रोमांस एंड लव, एज टू वॉट इट हैज़ बिकम टूडे, यू नो, एज इन वॉर एंड हेट्रिड एंड टेंशन एंड कंट्रोवर्सीज इन द लैंड ऑफ लव, द बेसिक थीम ऑफ द फिल्म इज दैट। और उसके मुताबिक जो रोल जो कैरेक्टर मैंने चुना है इस पिक्चर में, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो आई होप उतनी मेहनत करके अच्छा अगर निखार कर दें रोल में तो मज़ा ही आएगा। देखिए हर फिल्म जो बनती है कुछ ना कुछ मैसेज तो होता ही है हर फिल्म में, चाहे आप उसे कमर्शियल बोल लें चाहे आप उसे रियलिस्टिक सिनेमा बोल लें। मैंने जितनी भी मसाला पिक्चरें भी की हैं उसमें भी यही हुआ है कि राम की रावण से जीत हुई है, कभी रावण को जीतते हुए नहीं दिखाया, एंड में यही हुआ है कि गुड ऑलवेज विंस ओवर ईविल। तो कहीं ना कहीं हर पिक्चर में हर पिक्चर के मेकिंग के दौरान एक मैसेज आता ही है। इस पिक्चर में हाँ शायद ये मैसेज आप दे सकते हैं कि लव कॉन्कर्स ऑल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे मालूम था कि मैंने आज तक अपने करियर में ऐसा सिमिलर सब्जेक्ट नहीं सुना है, नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग के पास प्रोड्यूसर्स और राइटर्स आते हैं सब्जेक्ट्स और स्टोरियाँ सुनाने और एक दे ऑल साउंड द सेम, ऐसे लगता है अभी ये पिक्चर कर रहे हैं सेम कैरेक्टर सेम स्टोरी दूसरी पिक्चर में प्ले कर रहे हैं, तो वो मैंने बंद कर दिया करना। मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस भी देख, यू नो, जो जो मेरे फैंस हैं मेरे वेलविशर्स हैं वो भी मुझे डिफरेंट डिफरेंट भूमिका डिफरेंट डिफरेंट रोल में देखें, तो इट्स डिफरेंट, यू वुड लाइक टू वॉच इट, इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, नहीं तो हम लोग भी बोर हो जाते हैं वही सेम चीज़ करते हुए और ऑडियंस भी डेफिनेटली बोर हो जाती है। तो इस पिक्चर की स्टोरी लाइन, इस पिक्चर की टेक्निक, इस पिक्चर की जैसे कि अरुणा जी ने नरेट किया है अब तक, दिखने में और सुनने में तो बहुत ही दिलचस्प लगती है। आगे हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग स्क्रिप्ट से भी कितना ज़्यादा भरते हैं वो देखने को है। नहीं, सो फार आई हैवंट, बट आई डोंट नो, हाँ कि सिटिंग्स हो चुकी हैं, कंपोजिशंस हो चुकी हैं, लेकिन फुल ट्रैक नहीं बना है क्योंकि जैसे कि ये मुहूर्त है पिक्चर का। मेरे हिसाब से एक डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, उनमें एक क्रिएटिव पर्सन की आत्मा होती है, इट्स द डायरेक्टर सोल, यू कैन नॉट से ही इज़ मेल सो ही इज़ लेस सेंसिटिव और शी इज़ फीमेल सो शी इज़ मोर सेंसिटिव। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हूँ, मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि जो एक डायरेक्टर का क्रिएटिव सोल होता है वो उभर के आना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अंतर यही है कि ख़राब डायरेक्टर हैं या अच्छे डायरेक्टर हैं, अंतर ये नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। एक मेल डायरेक्टर भी बहुत ही सेंसिटिविटी और बहुत ही खूबसूरती से एक औरत का रोल निखार के ला सकते हैं, जो कि एक औरत भी एक मेल की फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह एज अ डायरेक्टर फोर्सी कर सकती है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। आई कैन से इट्स अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्यूटिफुल फिल्म आई थिंक आई वुड लव इट एंड सो वुड एवरीबॉडी हियर। फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स Rajasthan and Khajuraho and all the beautiful interiors of our country, definitely, because that's what the movie is all about.